Jesus said in John 11:25. यीशु ने कहा यूहन्ना 11:25. I am the life. मैं जीवन हूँ. I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ. To prove it. और इसे प्रमाणित करने के लिए. Jesus exhibited his resurrection power in the world. और यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को संसार में दिखाया. If you read Luke chapter 8 verses 41 to 56. यदि आप लूक का 8:41 से लेकर 56 तक पढ़ें. You find the father of a young girl called Jairus coming and crying and pleading before Jesus. आप पाएंगे याइर नाम का एक व्यक्ति जो एक लड़की का पिता है वो आता है यीशु के पास और उसे गिड़गिड़ाकर विनती करता है. He was pleading. और वो विनती करता है. Master. वो कहता है स्वामी. Please come home. मेहरबानी करके मेरे घर आ. My daughter is dying. मेरी बेटी मरने पर है. My daughter is dying. मेरी बेटी मरने पर है. My daughter is dying. मेरी बेटी मर रही है. Come home. घर आ. Maybe today you have come crying like that. और हो सकता है आज आप भी इसी तरह से रोते पुकारते हुए आए होंगे. Saying my daughter is not well. और ये कहते हुए कि मेरी बेटी की तबीयत. My wife is sinking. मेरी पत्नी की तबीयत खराब. My family is broken. मेरा परिवार टूट चुका है. But Jairus said. लेकिन याइर ने कहा. Jesus. यीशु. Come home. मेरे घर आ. Please come to my home. मेहरबानी करके मेरे घर आ. Even tonight. और आज की रात. We have come here to invite Jesus home. और हम यहाँ पर आए हैं यीशु को अपने घर पर बुलाने के लिए. We have come here to take him home. और हम यहाँ आए हैं उसे घर ले जाने के लिए. As Jairus invited Jesus home. जैसे याइर ने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया. We are also going to call him home. और हम भी उसे अपने घर बुलाएंगे. But today, my friends. लेकिन आज मेरे मित्रों. What is the home that Jesus longs to enter? कौन सा ऐसा घर है जिस पे प्रभु यीशु मसीह आने की बड़ी चाहत रखता है? In Revelation 3 and verse 20. प्रकाशित वाक्य के तीसरा अध्याय Jesus says, यीशु ने कहा, I am knocking at the door of your heart. कि देखो मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ. If you open your heart, यदि तुम अपने हृदय को खोलो, I will come in. मैं अंदर आऊँगा. And I will sup with you. और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा. And when I sup with you, और जब मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, I'll bless everything that you have. तो जो कुछ तुम्हारे पास है, हर चीज़ Everyone that you have, हर एक व्यक्ति को मैं आशीष. And I will cast out sickness out of you. और तुम में से मैं बीमारी को दूर भगा दूंगा. Will you open your heart? क्या आप अपना हृदय खोलेंगे? My son, मेरे बेटे, he is asking you, my son. वो आपसे कहता है मेरे बेटे. Jesus is asking you. यीशु आपको कहता है. My son, मेरे बेटे. Will you open your heart? क्या तू अपना हृदय खोलेगा? Will you invite me home? क्या तू मुझे अपने घर बुलाएगा? My daughter, मेरी बेटी. Will you invite me home? क्या तू मुझे अपने घर बुलाएगा? I want to come and bring healing. मैं आना चाहता हूँ और चंगाई देना चाहता हूँ. I want to come and bring blessing. और मैं आना चाहता हूँ तुझे आशीष देने के लिए. Tonight we have all come here to open our hearts to Jesus. आज की रात हम सभी यहाँ आए हैं अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलने को. और कहने के come home. कि मेरे घर आ. Come home. मेरे घर आ. We have not just come here to receive a miracle and go back. हम यहाँ पे केवल अपने चमत्कार को पाकर घर जाने के लिए नहीं आए. We have come here to take the person who gives the blessing. लेकिन हम यहाँ पर आए हैं उस व्यक्ति को ले जाने के लिए जो हमें आशीष देता है. Person who does miracles. वो व्यक्ति जो चमकाए और चमत्कार करता है. Person who resurrects. वो व्यक्ति जो पुनरुत्थान देता है. Person who gives life. वो व्यक्ति जो जीवन देता है. That person is Jesus Christ. और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह. As Jairus cried. जैसे याइर पुकार. We will also tell him. हम भी उसे कहेंगे. Come home, Lord. प्रभु तू मेरे घर आ. Come into my heart. मेरे हृदय में आ. Make my heart your home. मेरा हृदय तेरा घर बना ले. He will gladly come. और बड़ी खुशी से वो आएगा. When he comes into our heart. देखिए जब वो हमारे हृदयों में आता है. Makes our heart his home. और हमारे हृदय को अपना घर बनाता है. The Bible says in Acts 16 and verse 31. और बाइबल कहती प्रेरित के काम 16 उसके 31वें वचन. Believe on the Lord Jesus Christ. कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर. Then you and your household shall be saved. तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. As you invite Jesus into your heart and ask him to make it his home. You and your family, every one of them, shall be blessed by God. और जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे ताकि वो आपके हृदय को अपना घर बना ले और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर के हर एक व्यक्ति को आशीष देंगे. You're bringing blessings into your own family. ऐसा करने के द्वारा आप अपने खुद के परिवार को आशीष. You are the reason, my friends, for your family to be blessed. और आपका परिवार आशीष पाए उसकी वजह आप बन जाएंगे. Don't condemn your wife. और इसलिए अपनी पत्नी को दोष नहीं लगाएं. Don't say my wife is not all right. ऐसा नहीं कहेंगे मेरी पत्नी बुरी है. Oh, my daughter is not right. या मेरी बेटी अच्छी नहीं है. My son is rebellious.
मेरा बेटा सुनता नहीं है. My grandson is saying, मेरा नाती पोता ऐसा कहता है. Today to solve every one of those problems, और आज ऐसी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, You invite Jesus into your heart. आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं. You invite Jesus into your heart to make it His home. और आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं ताकि वो उसको अपना घर बना ले. Then you will bring blessings upon everyone in your family. जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर के हर एक सदस्य के लिए वो आशीष देगा. Automatically everyone will be blessed. अपने आप हर एक व्यक्ति आशीष पाएगा. 1 Corinthians 7:14 says. पहला कुरिन्थियों 7:14 कहता है. An unbelieving wife is sanctified by the believing husband. अविश्वासी जो पत्नी है वो विश्वास करने वाले पति के कारण शुद्ध. An unbelieving husband is sanctified by the believing wife. और अविश्वासी पति जो है वो विश्वासी करने वाले अविश्वासी पत्नी की वजह से शुद्ध हुआ. Tonight as Jairus invited Jesus to his home. और आज की रात जैसे याइर ने यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया. As he pleaded with Jesus. और जैसे ही उसने यीशु से विनती की. You also plead with him. आप उससे विनती करें. Tell him Jesus. कहे यीशु. Come into my heart. मेरे हृदय में आ. Come into my heart. मेरे हृदय में आ. My family has to be blessed. मेरे परिवार को आशीष पाना जरूरी है. My family is dying. मेरा परिवार मर रहा है. My child is dying. मेरा बच्चा मर रहा है. Come in, Lord. प्रभु आ जा. Come in, Lord. प्रभु आ जा. That's the first step to receive your miracle. और ये पहला कदम है आपके चमत्कार को पाने का. He will come in right now. वो इसी समय आपके जीवन में आएगा. We had a big meeting in Ranchi. रांची में हमारी बहुत बड़ी सभा. Nearly 5 lakhs people were there. लगभग 5 लाख लोग वहाँ आए थे. Suddenly by the power of the Holy Spirit. और अचानक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से. Called out the name of a young man. और हमने एक जवान लड़के का नाम पुकारा. नवीन. हमने कहा नवीन. Mentioned his situation. और हमने उसकी परिस्थिति भी बोलकर बताया. God came and transformed his life. और तब परमेश्वर उतर आया उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया. Shall we watch what happened? आइए देखेंगे क्या हुआ था. मेरा नाम नवीन है. मैं एक्चुअली तमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ. दोस्तों के साथ में पीना खाना दारू पीना ये सब बहुत चलते आ गया और बहुत मैं इस समस्या से दूर हो गया. 14 इयर्स मैं इस समस्या को छोड़ दिया. ये सब करते 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 मैंने दोस्तों के साथ में गलत काम किसी को मरना पीटना पीना खाना और हत्या का आरोप में मुझे आंध्र प्रदेश जेल में मुझे फंसाया गया था. जब मजिस्ट्रेट ने मुझे जजमेंट के लिए बुलाएगा उसने बोला कि तुम्हारा केस खत्म हो गया. और मैंने सोचा कि हाँ ये सब जीजस का ही ये काम है. जब मैं जेल से निकला निकलने के बाद में मैं ये जो रांची में जो डॉक्टर पॉल दिनकरन का उत्साह मैंने उपस्थित हुआ और मुझे 1st 21 तारीख को नवीन तुम जेल से आया है तुम अति शीघ्र आ जाओ बोल के पुकारा. The Holy Spirit shows me. पवित्र आत्मा मुझे बताता है. There is some body a young man who has come out of prison who is in this crowd. आप इस भीड़ में हैं और अभी-अभी बंदीगृह से निकल के आए हैं. My young brother. मेरे जवान भाई. Your name is Naveen. आपका नाम नवीन है. मैंने महसूस किया मगर मुझे कुछ डर उत्पन्न हुआ और मैं गवाह दे नहीं पाया. 22 तारीख को मैंने फिर प्रेयर को प्रेजेंट हुआ मैंने और दिनकरन ने बोला कि रो रो रो. मैंने बोला कि कैसा रोएगा आदमी. मैं जीजस से जस्ट याद करके मैंने कुछ प्रेयर करके मैं इतना जोर जोर से रोना शुरू किया कि आधा घंटा तक मैंने रोना शुरू हो गया ऑटोमेटिक. रोने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि ये तो बहुत चमत्कार की बात है और ये गवाह देना जरूरी है. उसके बाद में मैंने स्टेज में जाके मैंने जो मेरा गलती मैंने किया था महसूस किया था यीशु मसीह के बारे में मैंने गवाही दिया. मुझे ऐसा चमत्कार हुआ कि आकाश में ऐसा ज्योति चमका और मुझे ऊपर से ऐसा ज्योति आ गया मुझे और मैंने रोने लगा. नवीन नवीन tonight, लेकिन आज की रात Jesus is coming. यीशु आ रहा है. Permanently you can come out of your sin. अब अपने पाप से संपूर्ण तौर पे निकल. Permanently you can come out of your guilt of sin and the curse of sin. और पाप के श्राप और पाप के बोझ से आप हर समय के लिए निकल सकते हैं. यस 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 मैं पापी हूँ. पापी हूँ आप जो भी है जिंदगी में यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हूँ. मैं जो कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ. यीशु मसीह में जीने के लिए तैयार हूँ. बाइबल में शक्ति है बल है उठिया. जीसस इज रियल. यीशु मसीह सच्चा है. He is ready to come into your heart. वो तैयार है आपके हृदय में आने. Wherever you are. जहाँ कहीं आप हैं, Tell him, Lord Jesus, उससे कहें प्रभु यीशु, Plead with him, उसे विनती करें, I can't live by myself, और कहें प्रभु मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता, मैं तो मर रहा हूँ, My family is dying, मेरा परिवार मर रहा है, Amen. मेरे अंदर आ, As he called Naveen and came into his heart, और जैसे उसने नवीन को बुलाया और उसने नया हृदय दिया,
वैसे बदल दिया। Transform that murderer. और उस हत्यारे को प्रभु ने बदल दिया। Lifted him up to be a great person in the world. और संसार में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसे ऊंचा उठाया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करेगा। Tonight is a night of resurrection. आज की रात तो पुनरुत्थान की रात है। Forget about all your past sins. और अपने पिछले पापों को भूल। Forget about all your past guilt. और पिछली जो दोष भावना थी Forget about all the past accusations. और जो पिछले दोष की बातें थी आज भूल। Jesus is going to make you a new person. आज की रात यीशु मसीह आपको नया व्यक्ति बनाएगा। No more dying. अब मरना नहीं होगा। केवल जीवन होगा। Life in this world. इस संसार में जीवित रहेंगे। Let not your heart be troubled.